नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। बात करेंगे 6800 को लेकर के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है लखनऊ में। सभी डिस्ट्रिक्ट से सभी अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं लखनऊ एसआरटी मैदान पे, जहां पर उनका धरना प्रदर्शन जारी है। इस समय सभी डिस्ट्रिक्ट से पहुंचने के बाद धरना प्रदर्शन जो शुरू हुआ है, उसमें आज जो 6800 नियुक्ति को लेकर के आंदोलनरत छात्रों की मांग को लेकर अधिकारियों और प्रशासन के बीच में जो बातचीत हुआ है, उसका आपको बता दें कि बातचीत के दौरान बताया गया है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का इनको आश्वासन दिया गया है। तो डेलीगेशन टीम को बुलाया गया था अंदर मिलने के लिए। डेलीगेशन टीम को मुख्यमंत्री जी से मिलाने का जो आश्वासन मिला है, वो जल्द ही पूरा किया जाएगा। तो ये कितना सही है, यह टाइम पर पता चलेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल अधिकारियों की ओर से वहाँ पर आंदोलन कर रहे छात्रों को यही आश्वासन दिया गया है कि आपको मुख्यमंत्री जी से हम मिलाने के लिए समय मांगे हैं, जैसे ही समय मिलेगा आपको मिलवा दिया जाएगा। फिलहाल सभी लीगल टीमें अभी वहाँ पर उपस्थित हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं। फिर लखनऊ लीगल टीम के मयंक निकले, उसके बाद बनारस से भी बाबतपुर से ट्रेन पकड़ के अभ्यर्थी लखनऊ पहुँचे हैं कि अपने संघर्षों को लेकर के लगातार अपने आंदोलन को जारी रखे हुए प्रयागराज की क्रांतिकारी तूफानी संघर्षी टीम अपने लक्ष्य हेतु निकल ली है। तो यहाँ पर प्रयागराज से अधिकतर छात्र निकले हैं अपनी मांग को लेकर के प्रयागराज स्टेशन से लखनऊ के लिए। रात में सभी डिस्ट्रिक्ट से सभी अभ्यर्थी अपनी प्रेस संख्या के हिसाब से पहुँच रहे हैं। अमरेंद्र अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं। बात करें आज के न्यूज़ की, तो पीसीएस प्री में शामिल हुए थे 3.25 लाख अभ्यर्थी। प्रारंभिक परीक्षा रद्द होने से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही संकट। 678 पदों पर होनी है भर्ती, 5 अगस्त को पूरे होंगे इंटरव्यू। ये पीसीएस प्री में शामिल हुए थे जो अभ्यर्थी, उनके बारे में बात किया जा रहा था। वहीं फर्जी डिग्रियों प्रमाण पत्रों से नहीं पा सकेंगे नौकरी। वहीं आज 1 लाख से अधिक दावेदारी खत्म होगा, 5 साल का इंतजार। बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रसिद्ध विद्यालय शिक्षकों की पदोन्नति का भेजा है प्रस्ताव। जबकि प्रत्येक विद्यालय से अगर देखा जाए तो 15 दिनों में गायब मिले हैं 7500 प्राइमरी शिक्षक। इसी हफ्ते भी चलेगा निरीक्षक अभियान। इसी हफ्ते 2751 शिक्षकों का एक दिन का वेतन भी काटा गया है। तो लगातार अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या यथासंभव उसी पर स्थिर बनी हुई है। इसी हफ्ते भी सरकारी प्राइमरी जूनियर स्कूलों में कुल 3599 शिक्षक गायब मिले हैं। अनुपस्थित शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 2551 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा गया है। स्कूलों के निरीक्षण का विशेष अभियान इस हफ्ते भी जारी रहेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय कल्याण से संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 2 हफ्ते का निरीक्षण अभियान, 7500 शिक्षक अनुपस्थित मिले। इस हफ्ते भी सरकारी प्राइमरी जूनियर स्कूलों में निरीक्षण का एक विशेष अभियान 6 अगस्त तक जारी रहेगा। पीसीएस प्री परिणाम रद्द करने के आदेश को चुनौती देगा आयोग। आयोग ने किया दावा, नियमों के तहत ही की जा रही है पीसीएस भर्ती। अध्यक्ष ने कहा, भर्ती घबराए नहीं, हम जीतेंगे। आदेश के बाद भर्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। वहीं बैंक पीओ के 6000 प्लस बम्पर भर्तियां